अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी फ़ोल्डर और फाइल्स को वर्चुअल बॉक्स में शेयर करते हैं। तो इसमें शेयर करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने अपने एक फ़ोल्डर या फाइल को एक बना लेना है। मैंने देखें अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल बना ली है, शेयर फाइल के नाम से फ़ोल्डर बना ली है। सॉरी, इसमें मेरी ये विंडो पड़ी है, इसमें मेरे ये पासवर्ड, मतलब कि काफ़ी चीज़ें इसमें मेरी ना पड़ी हैं। तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं या फिर ये देखें शेयर विद में जाकर स्पेसिफिक पीपल इस पर क्लिक कर दें, या फिर इसके अलावा आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, शेयरिंग में जाकर यहाँ पर एडवांस पर क्लिक कर दें। तो ये देखें शेयरिंग एडवांस सेटिंग्स, इस पर चले जाएँ, सॉरी ये शेयर में चले जाएँ। जब आप शेयर में जाएंगे तो ये देखें इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। पहले से शेयर किया हुआ है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जब आप इस तरह की विंडो आएगी तो देखें सिर्फ मेरा एक ज़ुबैर लतीफ़ है ओनर जिसे कि शेयर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसे शेयर कर ले, तो मैं एवरीवन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड कर दूँगा। अब ये देखें एवरीवन के सामने परमिशन लेवल आ रहा है, इसमें ये रीड आ रहा है, इसमें ये रीड और राइट। इसमें रीड का मतलब कि ये सिर्फ आप फाइल रीड कर सकते हैं, मगर आप इसमें कोई डिलीट वगैरह या कॉपी वगैरह नहीं कर सकते। तो मैं रीड एंड राइट कर देता हूँ कि वो इसे रीड भी करे और उसमें डिलीट वगैरह जो चाहे कर सके। इसे मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ और ये देखें कुछ देर बाद ये आ गया, और इसके बाद मैं इसे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब अपने वर्चुअल बॉक्स को खोलता हूँ। वर्चुअल बॉक्स को खोलने के बाद ये देखें वर्चुअल बॉक्स में अब एक्सपी है। मैं इंशाल्लाह ताला आज आपको एक्सपी में और 7 दोनों में बता दूंगा। तो ये मेरी विंडो 8 है जिसमें से मैं शेयर करूँ। आप विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो मतलब कि 8 वगैरह, इसमें मेथड जो है इसका सेम ही है। तो इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले जब आप इसे खोलेंगे तो आप इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका होगा। तो सबसे पहले आप ड्राइव में चले जाएं, ड्राइव में जाएंगे तो देखें शेयर फोल्डर सेटिंग, आप इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद इसमें एक देखें पट्टी आ जाएगी, इसमें मैंने शेयर किया हुआ। मैं आपको पहले रिमूव करके तो शेयर करके दिखाता हूँ। जब ऐसी पट्टी आ जाएगी तो उसके बाद ये देखिए छोटा सा बटन है, इस पर ऐड लिखा हुआ है, ऐड पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये देखिए फोल्डर पाथ, तो इसको अदर पर जाकर क्लिक करें तो जहाँ पर आपका फोल्डर वो पड़ा हुआ है उसे आप सिलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप पर ये देखें शेयर फोल्डर के नाम से था, मैं इसे ओके कर दूंगा, ये शेयर हो गया। ये देखें मेक परमानेंट, मेक परमानेंट करने से होगा ये कि ये आपका फोल्डर रहेगा मतलब के और ये रिमूव नहीं हो जाएगा, मतलब परमानेंटली आप में शेयर होगा। इसके बाद इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने ये करना है कि आप ड्राइव में चले जाएं, ये सबसे लास्ट ऑप्शन देखें इंसर्ट। अगर आप इसकी होस्ट डी इसकी शॉर्टकट है, होस्ट मींस के कंट्रोल का बटन है, कंट्रोल प्लस डी। अब कंट्रोल जो है वो हमारे सिस्टम में दो कंट्रोल होते हैं, तो जो हमने यूज़ करना है कंट्रोल, उसको जो है वो कंट्रोल जो हमारी एरो कीज होती हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, उसके साथ वाला जो कंट्रोल की है हमने वो यूज़ करनी है और डी को प्रेस कर देना है। तो आप ये देखें जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब इसे इंस्टॉल कर लें, यहाँ से नेक्स्ट। तो अगर आप इसे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, है नहीं करता इसे इंस्टॉल, तो इसे आप इंस्टॉल कर दें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपसे, और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपको ये इंस्टॉल हुआ हुआ मिल जाएगा। तो इसको जो है वो मतलब के इसके ज़रिए से हम अपनी ये देखें हम कंटिन्यू कर दें, इसके ज़रिए से हम अपनी फाइल को बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं। वर्चुअल में शेयर करने के लिए ये लाजमी है। तो मैंने ये देखें अब यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, तो ये देखिए रीबूट नाउ मांग रहा है और बाद में आई वांट टू नॉर्मली रीबूट, तो मैं रीबूट नाउ करके
इसे फिनिश कर देता हूँ। तो ये आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसे रिस्टार्ट करेगा। उसे रिस्टार्ट करने से आपका ये होगा कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो प्रॉपरली उसमें ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये प्रॉपरली ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये मेरी यूज़र है, अच्छा जी। तो इसमें मैं फिर ये देखें, अगर आप हमारे कंप्यूटर में जाएंगे अपने, तो यहाँ पर जो है ये देखें, ये आ गया है आपका सीडी की जगह पर। आप इसे चाहें तो एग्जिट कर दें, ना चाहें तो ना करें, मैंने कर दिया। तो आपने इसमें करना क्या है, अब आप अपनी माई कंप्यूटर की पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर ये देखें मेक नेटवर्क ड्राइव लिखा हुआ है, इसे क्लिक कर दें। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखें ड्राइव का आप लेटर चेंज कर सकते हैं, जेड चाहे जेड रख लें, मैं जेड ही रख लेता हूँ। और उसके बाद इसे ब्राउज कर देता हूँ। जब आप ब्राउज करेंगे तो इस तरह की आपके सामने एक विंडो खुलेगी, एक ये होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो नेटवर्क का और एक होगा वर्चुअल बॉक्स शेयरिंग फोल्डर। आपने वर्चुअल बॉक्स शेयरिंग फोल्डर को क्लिक करना है। तो इसमें जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था ये वही चीज़ है, ये देखें वी बॉक्स सर्वर, इसे क्लिक करें। ये देखें ये हमारा शेयर फोल्डर के नाम से, ये हमारा शेयर फाइल के नाम से हमारा फोल्डर था, इसे क्लिक करके मैं ओके करूँगा और यहाँ से फिनिश कर दूँगा। तो ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा फोल्डर ये देखें शेयर हो चुका है। और इसमें अब मैं देखें आपको कुछ चीज़ कॉपी करके, अब ये फाइल है इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाकर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें पेस्ट होगी। अब मैं अपने जो कंप्यूटर में पड़ा है शेयर का उसे मैं ओपन करके देखता हूँ। ये देखें शेयर फाइल थी, ये देखें फोल्डर मेकर के नाम से ये मैंने फाइल थी एक, और ये सेम इसी तरह ये देखें फोल्डर मेकर के नाम से तो ये शेयर हो चुकी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि विंडोज़ 7 में इसे किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ 7 में भी आपने पहले शेयर कर लेना है, शेयर करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद जो है आप अपने विंडोज़ 7 को ऑन करें। विंडोज़ 7 को ऑन करके वही तरीका वही मेथड हर चीज़ वही है कि आप इसे ड्राइव पर क्लिक करें, ड्राइव पर क्लिक करके शेयर फोल्डर सेटिंग में जाएं, शेयर फोल्डर सेटिंग में जाकर उसी तरह ऐड पर क्लिक करें। बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है। आपने इसमें विंडो जहां पर आपने बैकअप का फोल्डर रखा है ये कर लें, विंडो 7 करें, एक्सपी करें, जो जौन सी मर्जी विंडो करें, मगर आपको ये शेयरिंग करने के लिए ये लाजमी चाहिए। मेक परमानेंट करके ओके करें, यहाँ से ओके कर दें और उसी तरह इसमें भी आप ये इंस्टॉल करें। और मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ तो ये देखिए मेरी ड्राइव आ भी रही है। मैं इसे ज़रा डिसकनेक्ट करके आपको दोबारा कनेक्ट करके दिखाऊँगा। तो उसके बाद आपने जब इतना सा कर लिया तो फिर उसी को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उसे सिस्टम को रिस्टार्ट कर लें तो वो जो इंस्टॉल होगा वो भी इसी तरह की, इसकी जो बॉक्स की आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसकी शॉर्ट की नहीं करता, अब इस बार इसे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे क्लिक, ये देखें ये जैसे हम सीडी लगाएं तो एक बॉक्स सामने आता है, इसे आप रन कर दें या फिर आप अपने माई कंप्यूटर में जाकर ये देखें सीडी की जगह पर यह आ गया। आप इस पर राइट क्लिक करके इंस्टॉल, ये देखें इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फ्रॉम योर मीडिया, आप ये कर दें। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप इसको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लें। जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे तो इसी का इसका भी तरीका उसी तरह है। माई कंप्यूटर में जाएँ, मेक नेटवर्क ड्राइव में जाएँ, लेटर मैं जेड ही रहने देता हूँ, यहाँ से ब्राउज करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखें नेटवर्क का सर्च कर रहा है, तो नेटवर्क को सर्च करके तो उसमें ये आपके मतलब के जितने भी आपके
फोल्डर्स वगैरह आपने शेयर किए होंगे ये उनको सबको सर्च करेगा। और ये देखें एक्स भी नाम से है जो मैंने इस विंडो को किया था, विंडो 7 का नाम दिया था। और ये देखें वी बॉक्स सर्वर, हमने इस पर जाना है जैसे कि हम उसमें भी गए थे। और ये देखें ये मेरा फोल्डर है जो मैंने शेयर करना है, मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस नाम से आपका फोल्डर होगा जो आपने नाम दिया होगा, उससे पहले ये बॉक्स सर्वर SVR लिखा होगा। फाइल शेयर मैंने नाम रखा अपने फोल्डर के, इसमें ओके करूँगा और यहाँ से फिनिश कर दूँगा। तो ये देखें जी हमारा फोल्डर जो है वो ये देखें शेयर हो चुका है। और इसी में इसमें भी उसी तरह से सारी की सारी देखें फोल्डर मेकर ये सारा कुछ वैसा ही है जैसा हमारा इस वाली विंडो में था। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें XP में भी वही चीज़ें और वही फाइल्स हैं और विंडो 7 में भी हमने जो शेयर किया था वही फाइल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी नॉलेज हासिल हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।